न्यू रेडमी फायर टीवी या फिर शाओमी का 5A। तो जैसे कि आपको पता है, चाहे आप रेडमी कह लीजिए, शाओमी कह लीजिए, मी कह लीजिए, दोनों जो है ब्रांड एक ही है, ये सारे जो है सब ब्रांड है। सो आज इस वीडियो में हम लोग फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस वीडियो थोड़ी यूनिक लगेगी क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कंप्रेसिवली कंपैरिजन करने वाले हैं न्यू रेडमी फायर टीवी का साथ में शाओमी का 5A। तो अगर आप अभी एक 32 इंच HD रेडी स्मार्ट टीवी बाय करने के लिए प्लान कर रहे हैं और इन दोनों टीवी में से किसी एक को चूज करने के लिए भी अगर प्लान कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस टीवी को बाय करना है और क्यों, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि इन दोनों को बाय करना है या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरा नाम है लक्ष्मीधर, आप देख रहे हैं टेक इल्यूजन। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ इसे कनेक्टेड रहने के लिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। सबसे जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर दोनों टीवी पर, चाहे आप शाओमी का 5A कह लीजिए या फिर रेडमी का फायर टीवी, सो फायर टीवी वर्सेस 5A, सो दोनों टीवी पर आपको 100 वोल्ट AC टू 240 वोल्ट AC इनपुट पावर रेंज देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी AC इनपुट पावर रेंज कह सकती हो। विदाउट स्टेबिलाइजर भी आप इन दोनों टीवी को यूज कर सकते हो, मतलब कि अगर आप डबल सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हो तो फिर आप स्टेबिलाइजर के साथ यूज कर सकते हो। ये रहा पहला पॉइंट। बात करते हैं दोनों टीवी का प्राइस। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, अगर आप रेडमी का फायर टीवी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको 13,000, वहीं अगर आप 5A का बात करें तो 14,000। सो 1,000 प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगी। और मेरा प्राइस रेफरेंस ये है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट एंड इनका OEM का वेबसाइट। और जैसे कि हमें पता है, रेडमी का फायर टीवी जो है 2023 मॉडल, 5A जो है 2022 मॉडल। और रेडमी का फायर टीवी और 5A दोनों के दोनों टीवी जो है 32 इंच HD रेडी टीवी है। बात करते हैं दोनों टीवीज के वारंटी एंड कस्टमर सर्विस। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, अगर आप रेडमी फायर टीवी के बारे में बात करें तो आपको 1 ईयर का वारंटी ऑन प्रोडक्ट और 1 साल आपको एक्स्ट्रा वारंटी प्रोवाइड की जाती है पैनल के ऊपर में। वही अगर आप 5A का बात करोगे तो 1 ईयर कंपल्सरी वारंटी आपको प्रोडक्ट के ऊपर में दी जाती है और 2 ईयर आपको एडिशनल वारंटी दी जाती है पैनल के ऊपर में। 1 ईयर एक्स्ट्रा वारंटी पैनल के ऊपर में आपको देखने को मिल जाती है अगर आप 5A टीवी को बाय करते हो। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस। भाई देखो, ऑलरेडी इसका पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको रेडमी फायर टीवी के बारे में वीडियो बनाया था, कस्टमर सर्विस इनिशियल रेस्पॉन्स आप ठीक ठाक कह सकते हो। आपको दोनों टीवी पर ऑन साइट वारंटी प्रोवाइड की जाती है, सो उनका जो भी ऑथराइज सर्विस पार्टनर होंगे वो आपका डोर स्टेप पर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं दोनों टीवी का रिमोट। सो रेडमी फायर टीवी का रिमोट एंड 5A का रिमोट। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर रेडमी फायर टीवी का जो रिमोट है काफ़ी आपको अपग्रेडेड लगेगी, एलेक्सा का ऑप्शन भी मिल जाएगी, साथ में आपको कुछ हॉट कीज भी मिल जाती है। हालांकि यहाँ पर आपको यूट्यूब और डिस्ने हॉटस्टार का हॉट की नहीं मिलेगी, लेकिन रिमोट का जो लुक है प्रीमियम लुक के साथ न्यू डिजाइन रिमोट आपको प्रोवाइड की जाती है। वहीं अगर 5A रिमोट के बारे में बात करें तो आपको कन्वेंशनल रिमोट का साथ में यूट्यूब का हॉट की आपको नहीं मिलती है। ये एक बेसिक फीचर है दोस्तों, यूट्यूब काफ़ी पॉपुलर है और सभी लोग यूज़ करते हैं, चाहे स्मार्टफोन बता दीजिए या फिर आप टीवी बता दीजिए। सो यूट्यूब का हॉट की एक बेसिक फीचर है, हर रिमोट पर होनी चाहिए। और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या यूट्यूब का हॉट की होना चाहिए। दोनों टीवीज का साउंड टेक्नोलॉजी सेम है और 20 वाट साउंड आउटपुट आपको सुनने को मिल सकती है। 20 वाट साउंड आउटपुट, मैंने इसका पिछले जितना भी शाओमी टीवी, रेडमी टीवी आप कह लीजिए, आपको ठीक ठाक साउंड सुनने को मिल जाती है। हालांकि रेडमी का फायर टीवी पर आपको DTS HD भी सपोर्ट हो जाती है। दोनों टीवीज पर आपको 1 GB RAM के साथ में 8 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि Redmi Fire TV मैंने अभी तक देखा नहीं है, इसका पहले जो भी मैंने Redmi Xiaomi TV यूज़ किया है, RAM मैनेजमेंट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी दिन यूज करने के बाद मैंने वो रेस्पॉन्स जो है उतना नहीं होती है। दोनों टीवीज का अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, कोरटेक्स का A35 64-bit क्वाड कोर प्रोसेसर और GPU मिल जाएगी आपको मैली G31 MP2। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सो Redmi का फायर टीवी पर आपको फायर OS 7 आपको मिल जाएगी, वहीं अगर आप 5A का बात करोगे तो एंड्रॉयड 11 और यहां पर आपको पैच वॉल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है, जो कि फायर टीवी पर आपको देखने को नहीं मिलती है। हालांकि यहां पर जैसे कि मैंने आपको रिमोट जब बता रहा था उस समय बताया, आपको सारे रेगुलर एप्लीकेशन जो है सपोर्टेड है और फायर टीवी का जो OS जो एप्लीकेशन स्टोर भी वह भी
आपको ऑलमोस्ट 12,000 प्लस भी आपको एप्लीकेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल है। सो आई डोंट फील कि दैट एप्लीकेशन आपको कहीं शॉर्टेज होगी आपको दोनों टीवी पर, हालांकि गूगल का प्ले स्टोर थोड़ी सी बड़ी होती है। अब बात करते हैं वीडियो एंड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर में देख पा रहे हैं, दोनों टीवीज पर आपको विविड पिक्चर इंजन प्रोवाइड की जाती है, जो कि शाओमी का काफ़ी ट्रेडिशनल है, और ऑलमोस्ट टीवी पर आपको विविड पिक्चर इंजन आपको देखने को मिल जाती है जो टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर VA पैनल आपको देखने को मिल सकती है रेडमी फायर टीवी OS रेडमी फायर टीवी पर, और यहाँ पर आपको शाओमी का जो 5A है वो भी है। सो यहाँ पर ब्राइटनेस इन नीट्स यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया गया है, हालांकि बेस्ड ऑन बाय इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर नॉट मोर देन 300। डिजाइन एंड लुक्स का बात करें तो प्रीमियम मेटल बेजललेस डिजाइन है, और दोनों टीवी का अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम लुक्स प्रोवाइड करती है। दोनों टीवीज पर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है डुअल बैंड वाईफाई के साथ में, हालांकि यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अलग अलग रहेगी। रेडमी का फायर टीवी का मैन्युफैक्चरर अलग है और शाओमी का 5A का जो मैन्युफैक्चरर वो अलग है। बात करते हैं एसेसरीज यानी वॉल माउंट। सो वॉल माउंट इन दोनों टीवीज पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड नहीं की जा रही है, आपको वॉल माउंट के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा तब आपको वॉल माउंट मिलेगी। आजकल बहुत सारे टीवीज जो नया लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पर आपको वॉल माउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर भी मेरा एक्सपेक्टेशन वही थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, सेल्स का पैकेज का अंदर में इसको इंक्लूड करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन, आप कौन सा टीवी को बाय करना है और क्यों बाय करना है, बाइंग रीजन क्या है। तो चलिए फ्रैंकली डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप इसी पॉइंट के लिए वीडियो को यहाँ तक देखे हो भाई। तो चलिए बात करते हैं। सो यहाँ पर बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन एनालिसिस मेरा तरफ से आपको रिकमेंडेशन यही रहेगी कि रेडमी फायर टीवी, क्योंकि उसका रीजन ये है दोस्तों कि आपको प्रीमियम रिमोट मिलती है और फायर टीवी OS जो कि आप 6 अलग अलग प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो, जो 5A पर आपको नहीं मिलती है। प्लस आपको एक ब्रांड न्यू टीवी है, Alexa भी सपोर्ट मिल जाती है, और आपको 1,000 rupees लेस प्राइस है। सो इन्हीं रीजन से मेरा रिकमेंडेशन था आपको Redmi Fire TV 32 इंच HD रेडी। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नया कंटेंट के साथ में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।